साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, जो लोग फिनो पेमेंट बैंक के सिस्टम चलाते हैं उन लोगों के लिए जो है क्रिसमस ऑफ़र आया हुआ है। लेकिन साथियों, क्रिसमस ऑफ़र का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप ट्रांजैक्शन को सोच समझ करके करेंगे। अगर बिना सोचे समझे आप पहले की तरह ट्रांजेक्शन करते रहें तो आपका नुकसान भी हो सकता है। नुकसान कैसे होगा और बेनिफिट आप कैसे पाएंगे, इसके बारे में पूरा आपसे हम चर्चा करेंगे और स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ों को, बारीकियों को बताएंगे कि आप किस तरह से ट्रांजेक्शन करेंगे APS के माध्यम से तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि साथियों, जो है इस महीने जो आपका ऑफर आया हुआ है वो सिर्फ इसी महीने के लिए है, यानी दिसंबर माह के लिए है, जो कि लगभग पिछले महीने के ऑफर से मिलता जुलता है। लेकिन क्या है एक्चुअली, मैं इसे आपको बता रहा हूँ कि ऑफर का कैसे आप लाभ उठाएंगे, किन चीज़ों में बदलाव किया गया है, जो कि जो लोग फिनो पेमेंट बैंक के सिस्टम चलाते हैं वो सभी लोग ये जानते हैं कि हमको जो कमीशन है वह 1.6 मिलता है। लेकिन साथियों, फिनो पेमेंट बैंक ने इसमें काफ़ी भारी बदलाव किया। अब जो 1.6 मिलता था, अब उसमें जो है उन्होंने बदलाव कर दिया है, अब उस तरह से कमीशन नहीं दे रहे हैं। बदलाव जो हुआ है उसको मैं दिखा रहा हूं आपको कि देखिए, यहां पर ऑफर इन्होंने ये एक अपना चार्ट दिया हुआ है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। इसको जो है हम अगर पहले बात करते हैं हिंदी के बारे में, हिंदी में अगर देखते हैं तो देखिए यहां पर कि आपको कमीशन मिल रहा है। नियम और शर्तें इनको देख लीजिए। कमीशन ट्रांजेक्शन, यानी अगर आप 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर कोई कमीशन नहीं दिया जा रहा है। यानी देखिए, ट्रांजेक्शन अगर आप 100 रुपये का कर रहे हैं तो आपको कोई भी कमीशन नहीं दिया जा रहा है, ये शून्य है। किसी का भी गलती से भी अगर आप 100 रुपये निकाल देते हैं तो आपका पूरा का पूरा नुकसान हो गया, कुछ भी लाभ नहीं मिला आपको। और वहीं आप होशियारी दिखाते हुए अगर 100 रुपये वाले का 101 रुपया निकाल दिया, उसे 1 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिया, 101 रुपया और ज़्यादा निकाला आपने, अगर उसे कह दिया कि भाई जी 100 रुपया निकालने आप आए हैं, 1 रुपया आप और निकाल लीजिए, मैं आपको 101 रुपया दूंगा, 101 निकालिए, तो 101 जैसे ही आप निकालेंगे उसे आपको 50 पैसा कमीशन मिल जाएगा। तो साथियों, बहुत अच्छी चीज़ है कि 100 रुपये निकालने वाले को 1 रुपया बढ़ा दीजिए, 101 कर दीजिए, 200, 300, 400 निकाल रहे हैं तो भी आपको, 500 भी निकाल रहे हैं तो भी आपको 50 पैसा ही मिल रहा है। वहीं 500 रुपये अगर कोई निकालने वाले आ रहे हैं जो समथिंग में हैं, उनसे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप भाई जी 500 की जगह 501 रुपया निकालिए। जैसे ही 501 रुपया निकालेंगे आप तो आपको कमीशन 1 रुपया मिल जाएगा, यानी कमीशन में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं अगर आप 600, 700, 800, 900, 1000 तक निकालते हैं तो भी आपको 1 रुपया ही मिलना है। यानी 1 रुपया अगर आप एक्स्ट्रा निकाल दे रहे हैं 500 रुपया निकालने वालों की, तो आपकी कमीशन आपकी बढ़ जाएगी। जस्ट वही चीज़ें देखिए आपके आगे सामने भी आगे लागू होती हैं कि अगर आप 1000 1 रुपया से लेकर के 1500 रुपये तक निकालते हैं तो 2 रुपया, यानी 1000 निकालने अगर कोई आया है, 800 निकालने आया है, तो आप रिक्वेस्ट करके अगर थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देते हैं जिसको आपको पेड भी करना है, देना भी है, तो आपके लिए जो कमीशन में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी, जो आपके लिए इनकम अच्छी महीने के अंत में शो करेगी। जब आप समझो अपना आप पेमेंट को चेक करेंगे, यानी अपना जब पे आउट स्लिप निकालेंगे आप, तो वहाँ पर कमीशन आप करके वो बढ़ करके दिखेगा। वहीं अगर आप बात किया जाए तो 2001 से 3000 के बीच में 5 रुपये इन्होंने किया हुआ है, ये भी अच्छा कमीशन है। यहाँ भी आप होशियारी दिखाते हैं तो आपका काम यहाँ भी बन जाएगा। यहीं 7001 रुपया से लेकर के 10000 पर 7.5 रुपया दिया गया है। हालांकि कभी कभी जो है कमीशन 8.5 रुपया तक मिलता था, लेकिन अभी से जो है कुछ यहाँ पर कम किया गया है। तो साथियों, इस समय अगर हम देखें तो जो सर्विस प्रोवाइड कंपनियाँ हैं उसके हिसाब से जो है इन्होंने कमीशन चार्ट को लाया हुआ है। पहले जो इनका बैंकिंग की तरफ से था उसमें इन्होंने चेंजेस किया हुआ है। तो आप भी पैसा निकालते समय काफ़ी सावधान रहें और इन होशियारियों को अगर आप लाभ उठाते हैं, अपनी बात को कस्टमर को समझा ले जाते हैं तो आपको कमीशन ज़्यादा मिल जाएगा। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।